हम अंगूरी बोल रहे हैं। यहाँ आपके चाहने वाले आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप कब आ रही हैं? हम बहुत जल्द आ रहे हैं, आप लोग चिंता ना ही कीजिए। बस कुल मिला के यूं समझ लीजिए नवीन बाबू कि हमारे वजूद की बदौलत ही भाभी जी का वजूद है। ये गुरूर मैंने मिट्टी में ना मिला दिया ना, तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। भाभी जी हमें आप हमसे बात का ही नहीं कर रही है। दरोगा जी देखिए ना, इन लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, बताइए। और सुनाओ भैया विभूति, ये अम्मा टिल्लू भी हमें देख नहीं पा रहे हैं। ये किस खुशी में पार्टी है? अरे कल बैल के पिताजी का जन्मदिन है। अगर हम गायब हैं तो वो हमें देख नहीं पाएंगे, और जब वो हमें देख नहीं पाएंगे तो हम उनका करेंगे पर्दाफाश। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, अरे भाभी जी क्या हो रहा है? भाभी जी हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है जैसे हमारा वजूद ही खत्म हो गया। भाभी जी देखिए, कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, जबकि कोई भी हमसे मजाक कर सकता है। भाभी जी यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमसे मजाक कर सकती है, लेकिन आप हमसे मजाक नहीं करेंगी भाभी जी, हम जानते हैं। भाभी जी ये अचानक फिर से मरे हुए चूहे की बदबू क्यों आ रही है इस रूम से? अरे यार ये कैसी विडंबना है यार, भाभी जी हमें सूंघ सकती है लेकिन देख नहीं पा रही है। भाभी जी वो सड़ा हुआ चूहा हमें, भाभी जी वो बदबू हमारे अंदर से आ रही है। भाभी जी देखे ना, सूंघिए भाभी जी, सूंघिए, कितनी बदबू आ रही है। हेलो मीनल। हाँ बस यूं ही, बस घर में बैठी हूँ अकेली, और क्या। भाभी जी हाँ, विभू तो सुबह से ही गया हुआ है, वो आज उसको अपने क्लाइंट का बीमा कराना है ना। हाँ क्या, तूने विभू को झाकर कटी में देखा? नहीं नहीं, विभू तो किदवई नगर गया है। नहीं मुझे तो यही बोल कर गया है। What? प्रेम चौधरी के साथ पत्ते खेल रहा था। आने दे विभू, देखती हूँ मैं उसको आज। Hey, yo, baby, what's up? अच्छा सुन, विभू आया, मैं बाद में बात करती हूँ। बेबी गई घुइया के खेत में, कहाँ से आ रहे हैं? तुमसे कहा था मैंने, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एंड इट वाज रियली रियली सक्सेसफुल। क्लाइंट के पास गए थे या फिर प्रेम चौधरी के साथ पत्ते खेल रहे थे? What are you talking, यार? मैं अपने क्लाइंट से मिलने गया था, मैं क्यों प्रेम चौधरी के साथ पत्ते खेलूंगा यार? What are you talking? छुट बोलती हो मुझसे? हाँ मीनल ने तुम्हें देख लिया है, तुम झाकर कटी में प्रेम के साथ पत्ते खेल रहे थे। यार उसको गलत फैमिली हुई है, धोखा हुआ है उसको यार। तुम्हें पता है विभू, अगर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या 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 लेने गई हो? संटी लाने? अरे यार संटी से बहुत जोर से लगती है यार संटी। ओ भाई मुझे झूठ पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना मुझे झूठ पसंद नहीं है। हेलो। हाँ लड्डू के भैया, कैसन बा? अरे अंगूरी तुम, अरे कहाँ हो लड्डू के भैया? हम अपनी अम्मा के यहाँ है ना। अरे वो तो हमको भी पता पगली, तुम अम्मा के यहाँ हो लेकिन आओगी कब? बहुत जल्दी आ रहे हैं। डेंट भरी नहीं, डोंट वरी होता बगली। सही पकड़े हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, हम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा सुनो अंगूरी, तुमको हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, हमको आपका आवाज आ रहा है। अरे यार पता नहीं कहा, ये लोग सब मोहल्ले वाले और सब लोगों ने मिलकर हमारा मजाक बनाया है। हाँ, कैसा मजाक? अरे वो ना हम उनको दिखाई दे रहे हैं और ना ही हम उनको सुनाई दे रहे हैं। हाय दैया, ये कैसे हो गया? अरे यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा पगली कि कैसे हो गया। अब देखो ना, हमारी आवाज तुमको सुनाई दे रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मोहल्ले वालों ने सबने मिलकर हमारा मजाक बनाया है, और तुमको पता है इस मजाक में ये अम्मा भी उनके साथ शामिल है। नहीं नहीं अम्मा जी कभी मजाक नहीं करती है, हमको भी लगता है कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको तो आप सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। अंगूरी हेलो, अंगूरी लड्डू के भैया, हमको आपका आवाज नहीं आ रहा है। अंगूरी अबे यार
ये भी तो अम्मा जी की अंधभक्त है। अम्मा जी कहेगी कि मुर्गी की तीन टांगे होती है तो तुरंत कहेगी हाँ अम्मा जी तीन ही टांग होती है। साला वेलकम भाभी जी, वेलकम वेलकम, आइए आइए। अरे आओ आओ मोरे बिटिया आओ। अम्मा जी प्रणाम, खुश रहो। अरे यार हम पागल हो जाएंगे, ना कोई हमें देख पा रहा ना सुन रहा है, ये हो क्या रहा है? गोरी मैम नमस्ते। नमस्ते दरोगा जी। अच्छा हुआ गोरी बिटिया तुम आ गई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ केक काटते हैं आओ। आंटी जी वो अंकल जी दिखाई नहीं दे रहे, भाग गए बहुत साल पहले। आपके साथ टिक भी कौन सकता है? क्या बोले? केक काटते हैं, आइए लेट्स कट द केक। हाँ अरे हम केक काट रहे हैं लेकिन तिवारी जी यहाँ नहीं है। हाँ बिटिया पता नहीं सवेरे से कहाँ गायब है। क्या केक के तो कोई भी काट लेगा। बेटा तू है ये काटेगा केक, खिल कर दे केक। पेलू बेटा देख, इनमें से कोई भी हमें ना देख पा रहा है और ना सुन पा रहा है, लेकिन तू एक बात बता बेटा, क्या 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 तू हमें देख पा रहा है? देख पा रहा है बेटा? बता ना बेटा, देख पा रहा है? नहीं। अरे यार ये हो क्या रहा है, ना कोई हमें देख पा रहा है ना सुन पा रहा है, इनकी नजर में तो जैसे जैसे हम मर गए हैं। लेकिन बेटा हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी है, एक एक से चुन चुन के बदला ना लिया ना तो हमारा नाम नहीं। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। और बेटी का क्या हाल? तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा। इलायची डाली हो यार, खुशबू आएगी है। इलायची डाल ले, खुशबू वाली तो हम पिलाते हैं तुझे बेटा। लौंग डाल दे, हाँ सही रहती है। अरे लौंडे लौंडे, अरे यार एक ठैया चाय हमारे को बोल दो, मजो आ जाएगा। दरोगा जी ले जाए भैया। दरोगा जी हम आपको दिखाई नहीं दे रहे ना। और ऐसा करिए तनक यार, अदरक और किसके डरवा दी, तनक तो और मजो आ जाए बढ़िया। बढ़िया शक्कर और तनक पत्ती और ज्यादा पील दियो तो और मजा आ जाएगा। तूने बकरी का दूध पिया। अरे दादा, अरे दादा, अरे मर गए। हाँ हप्पू सिंह जी, टीका भाई क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हैं आप लोग, सब खैरियत तो है? ठीक है ठीक है, तो मैं ऐसा करो गोरी मैम के भेजो, हमें उनसे बात करने हैं। गोरी बेबी, आई मीन अनु बेबी, देखो कौन आया है। कौन आया विभू? सम ऑफिसर एंड सम स्ट्रीट अर्चन। विभू बोला, हप्पू सिंह जी टीका आप दोनों साथ साथ। नमस्ते, ऐसो है गोरी मैम। कैसो है? आई मीन कैसा है? ऐसा है भैया कि जो तुम लोग जो अपने भैया तिवारी के साथ में मजाक कर रहे हो ना, कि उन्हें कोई देख नहीं सकता है, उन्हें कोई सुन नहीं सकता है, जैसे कह हो रहा है, बता बता। आपको तो पता ना है लेकिन थोड़ी देर पहले जो है ना ये नाटक है ना मोक पे और अपने दरोगा जी पे बहुत भारी पड़ गए। भारी पड़ गया? क्या भारी पड़ गया? अरे कहा बताए गोरी मैम, भैया तिवारी को तो जो लग रहा हुआ ना कि भी महाराज अपना इनविजिबल हो गए हैं, एकदम मिस्टर इंडिया हो गए हैं, और जब आपको फायदा उठा रहे हैं अभी, और जब आपको फायदा उठा के उनने जो टीका को अरे बस बस ना ना जब टीका को गोरी मैम इतनो कूटो इतनो कूटो छठी को दूध याद आ गो जाको बस, और जो ही हाल हमाओ कर दो उनने। आपको भी धो दिया क्या उन्होंने? अरे नहीं नहीं
दो नहीं है यार, हम जा रहे थे स्कूटर से, उन्हें अचानक से आके तिवारी ने ऐसा धक्का दो यार, धड़ाम से गिर गई। I'm really sorry, हाँ, जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या है ना कि आप इतना ज्यादा उसे दिल पे मत लगाइए। अरे यार, मजाक मजाक में तो गोले चल जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं। ये तो कुछ नहीं है। वो क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ कोई गोलियां वोलियां नहीं चल रही हैं, आप इतनी टेंशन में मत आइए। लेकिन मेरी ना आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप ना इसे एंजॉय कीजिए, प्लीज इसे जरा लाइटली कीजिए। आपने गोरी में इतने सारे प्लीज लगा दिए कि अब हमें तो मानना पड़ेगा। भैया वो गरम बादाम का दूध दे दो जरा, पैर दर्द हो रहे। महाराज एक हमारा उलाने ले आओ फिर। मैं आप दोनों के लिए गरम दूध लेके आता हूँ, बादाम डाल के, और उस पे स्पेशल मलाई, डिफरेंट तरह की मलाई। कौन सी मलाई की नहीं कह गए? ओहो, क्या बात है भाई, आज बड़े उतावले हो रहे हो। रोमांस भी एक तूफान की तरह होता है जो कभी कभी आता है। अच्छा जी, तो आज आपके सर पर रोमांस का तूफान सवार है। इस वक्त रोमांस मेरी नस नस में है, मेरे जिगर में है, मेरे दिल में है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, आ जाओ। कहाँ है वो तूफान, उस तूफान का इंतजार कर रही हूँ मैं। तूफान गुजर गया। क्या? जिस तरह आया था उस तरह गुजर गया। अरे ऐसे कैसे गुजर गया? गुजर गया तो गुजर गया यार, तूफान गुजर गया। मजाक मत करो, वो तूफान तो मुझे प्यार की बारिश में सराबोर करने वाला था, और मैं उस तूफान का एहसास नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती? बिल्कुल भी नहीं। गुड, लेट्स स्लीप। या आई एम नॉट इन मूड स्लीप। या श्योर। गुड नाइट बेबो। गुड नाइट स्वीटहार्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, Siri. कितनी चांदनी रात है ना बेबू? या गुड नाइट, बहुत अच्छी रात है। या गुड मॉर्निंग अनुज। तुमने मुझे नाश्ता बनाना पड़ रहा है, कहाँ रह गए थे? तुम्हारे नाश्ते की ऐसी की तैसी। क्या हुआ? जो तुम खेल खेल रहे हो तिवारी जी के साथ, वो खेल मुझे बड़ा भारी पड़ रहा है। हाँ ठीक है, पता है वो रात को हमारे बेडरूम में आ गए थे, क्या करें। बेडरूम में नहीं आ गए थे, हमारे बेड पर सो रहे थे, इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ अस, और उसके बाद मेरे साथ वो बाथरूम में घुस गए।
एम्बैरेसिंग का है, कपड़े उतार रहा था, वो आदमी विजिट पे जा रहा था सिटी। गोरी अपने नाजुक हाथों से हमें भी पिला देना कॉफी एक गोरी। अच्छा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, अब सुन भी लिया और देख भी लिया। अरे मजाक कर रहे थे हम, बड़ा भद्दा और घटिया और ओछा मजाक कर रहे थे आप। अच्छा और आपने हमारे साथ जो मजाक किया वो, उस मजाक को आप क्या कहेंगे, कितना घटिया मजाक किया हमारे साथ। और तो और उस मजाक में भाभी जी भी शामिल थी, हमारा पूरा वजूद खतरे में पड़ गया था इस मजाक की वजह से। और तिवारी जी जो आप फोन पर बात कर रहे थे उसका क्या, फोन पे क्या कह रहे थे आप? अनीता भाभी तो हम पर डिपेंडेंट हैं, हमारी इजाजत के बगैर कहीं जाती नहीं है। उनका वजूद हमारे वजूद के बगैर कुछ भी नहीं। कौन कह रहा था ये सब, इसका क्या मतलब है? अच्छा तो ये सब आपने सुन लिया था क्या? जी मैंने सुन लिया था और उसी वक्त मैंने प्रण ले लिया था कि आपके वजूद को धराशायी कर देंगे। यस। ये सब कुछ नाटक था। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, दरअसल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं करना माफ। नो। ठीक है फिर हमें यही सूट करता है, फिर हम बेडरूम में आज। हमें सूट नहीं कर रहा है। अरे तो माफ करो ना यार, क्या खाया इसने? नल्ले तो खाए। मैं नल्ला हूँ, पूरा शहर बोलता है। What's wrong in it? माफ कर देंगे, don't worry. ठीक है ठीक है, आप ऐसा आइंदा से कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला तो इससे भी खतरनाक मजाक करेंगे आपके साथ। समझे? थैंक यू भाभी जी। भाभी जी घर पर हैं? नहीं है, दफा हो जाइए। ठीक है भाई, हम दफा हो जाएंगे। अरे लेकिन एक बात कहें, कभी कभी ना हमें आप पर बड़ा तरस आता है कि इस घर में आपकी स्थिति बिल्कुल एक नौकर की तरह है। जी नहीं। मुझे एक बात बताइए आप दोनों, कौन से ग्रंथ और कौन सी पुस्तक में लिखा है कि अगर पति घर का काम करे तो वो नौकर बन जाता है? बताइए। गृहस्थी संभालने का जो सिक्का होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं। पहला, अगर पति बाहर जाकर काम करे तो पत्नी घर संभालती है, और अगर पत्नी जाकर काम करे तो पति घर संभालता है। समझे? आज पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला है जिसने मुझे सपोर्ट किया है, मुझ में आत्मविश्वास डाला है। ए मसीहा, तेरा नाम क्या है? ये है मिस्टर कबीर। हेलो मिस्टर कबीर। हाय। प्लीज सिट, बैठिए ना, प्लीज बैठिए। आइए आइए, आप भी बैठिए, अपना घर समझिए। बैठिए बैठिए। अनु, तुम इन्हें जानती हो? ऑफ कोर्स मैं इन्हें जानती हूँ। ये हैं कबीर और इनके बारे में कई आर्टिकल्स मैंने चंद सहेली में पढ़े हैं। बड़े खुशी हुई आपसे मिलके, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप भी अपनी बीवी के सताए हुए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बीवी का सताया हुआ नहीं हूँ। तो फिर ये हाउस हस्बैंड, ये किस बला का नाम है? अरे अभी तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया आपको, सुना नहीं आपने? घर का काम करना ना कोई बुरी बात नहीं होती। चलिए मान लेते हैं घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप मोस्ट वांटेड हाउस हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? आपके बारे में आर्टिकल कैसे छप सकते हैं? जबकि मैं भी घर का काम करता हूं, लेकिन मेरे बारे में तो कुछ नहीं छपता। चलिए बेशक आप घर का काम जरूर करते हैं, लेकिन आप क्या है ना, रो रो के करते हैं। मैं हंस के खुल के मजा करके करता हूं, फर्क सबसे बड़ा ये। एक्सक्यूज मी, घर का सारा काम मैं भी करता हूं, आपको क्या आता है? कपड़े धोना आता है। मुझे भी कपड़े धोना आता है। जब रोजाना मेरी बीवी ऑफिस जाती है ना, तो मैं बैठ के उनके जूते पॉलिश करता हूँ, आप करते? जब वो वापस आती है ना काम से,
तो मैं उनके पाव गर्म पानी से धोता हूँ। करते हो आप ऐसा? तो गुलामी हो गया। वाव, पाव धोना तो दूर की बात है, विभू ने तो आज तक कभी मेरे हाथ भी नहीं धोए। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर पाव धोना चाहेंगे। आप आइए इधर, एक सेकंड आइए ना, आइए, शर्माइए मत, आइए। देखिए मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मुझे सिर्फ खाना पकाना, पर मुझे ये भी पता है कि आप अपने दिमाग में क्या पका रहे हैं। देख रहा हूँ आपको। आगे आगे। बहुत सही कहा। अब बताइए, आप लोग ये तो मानेंगे ना, कबीर इज द मोस्ट वांटेड मुंडा। ये मोस्ट वांटेड मुंडा क्या होता है? मोस्ट वांटेड मुंडा मतलब जानने के लिए आपको आना पड़ेगा आपके नजदीकी सिनेमा घर में, यानी कि 1 अप्रैल को जो मेरी फिल्म लग रही है की एंड का, वो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब बातें बातें तो हो गई, भाभी जी एक ठुमका हो जाए। चलिए। Yeah.